नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जनता दल यू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी की। ये पोस्ट आपके लिए क्रिएट क्यों कर दिया, आप कैसे प्रधान बन गए पार्टी के? नहीं, ये जनता दल जब बना था और वीपी सिंह जी जब अध्यक्ष बने तब ये पद बनाया गया था और ये पद इतना महत्वपूर्ण हो गया था, अजीत सिंह जी बने थे इसके प्रधान महासचिव और उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रधान महासचिव है ही कैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरिएट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी आप तो प्रेसिडेंट भी नीतीश कुमार जी हो गए। हाँ, मनमर्जी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप दोनों मनमर्जी के जो हैं। हाँ, आप दोनों में से लोहियावादी कौन है, चरणवादी कौन है? नहीं, हम दोनों ही लोहियावादी हैं, जयप्रकाशवादी हैं और चौधरी चरण सिंह वादी हैं। चूँकि 80 के बाद में नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, मैं, लालू जी और मुलायम सिंह जी और रामविलास जी पांचों लोक दल में भी रहे। नहीं, आपने तो सब जगह सब तोड़फोड़ की ना, सब एक किस्म के लोग, कभी इधर कभी उधर, समाजवादी में झगड़ा कराने वाले में केसी ऐसा है, कि हम जगजीवन राम का जुलूस निकालने में हम गुलाम नहीं है, हम फ्री थिंकर हैं इस मामले में, विचारधारा। हाँ, जो हमें चीज अप्रिय लगती है लेकिन आजकल हम उसके हिस्से नहीं है, आजकल हम रचनात्मक कामों में लगे हुए हैं। रचनात्मक जो यूपी में आप जैसे कर रहे हैं, आप कुछ करने की यूपी में भी हम चाहते हैं कि मुलायम सिंह जी हमारे सब लोगों के सीनियर लीडर हैं और वो बिहार की तर्ज का गठबंधन बनाए, क्योंकि यूपी ज़्यादा कम्युनिटी चार्ज्ड है इन द कंपेरिजन ऑफ बिहार। लव जिहाद यहाँ है, घर वापसी यहाँ पे है, मुजफ्फरनगर यहाँ पर है, अखलाक यहाँ पर है, कैराना यहाँ पर है, मथुरा काशी यहाँ पर है, हर चीज़ की यहाँ पर है, राजनीति में जो भी प्रयोगशाला राजनीति नाम पे, सारे देश के नाम पे, हाँ, जात के यहाँ पे फेडरेशन से 22 पार्टियाँ कास्ट के नाम पे रजिस्टर्ड हैं यूपी में। हाँ, तो फिर कैसे अलायंस कराओगे आप? नहीं, क्योंकि आपके यहाँ भी तो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत है ना। हाँ, नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स तो आज की राजनीति का हिस्सा है। देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं मुजफ्फरपुर में बिहार चुनाव में उनका भाषण नहीं भूलता, जब वो पिछड़ी जनता को एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि अब ये बनिया बामनों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है। तो जब भाजपा जैसी संगठित पार्टी में, जो संघ के नेतृत्व में समरसता के लिए चलती है, जब उसका सर्वोच्च नेता ये वक्तव्य दे सकता है, तो हम तो पहले से ही समाज के वंचित और हाशिए पर गए हुए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। तो आप कहते हैं कि राजनीति हिंदुस्तान की ऐसी है जिसमें जात के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती? अब तो यही लगता है। और जात जितना आप विकास कर रहे हैं उतना जाति विनाश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि हम चुनाव विकास के नाम पर लड़ते हैं, फिर जाति के नाम से विनाश कर देते हैं, जातियों के नाम पर प्रमुखता लाते हैं, प्रमुखता नहीं, सोसाइटी का विनाश कर देते हैं। पर सब यूपी की तरफ आता हूँ, आपको लगता क्यों है कि वहाँ अलायंस कुछ हो सकता है? कि पिछली बार भी अलायंस अनाउंस किया आपने, मुलायम सिंह जी को नेता बनाया, उसके बाद बिहार में आपका, यूपी में कैसे, क्या भरोसा, क्या क्यों होगा आपका एक जोड़ने के लिए, जैसे कहते हैं ना, ऐसी कौन सी गोंद है जो आपको जोड़ेगी वहाँ? नहीं, वो जोड़ना है, भाजपा को 80 में से 73 सीटें मिली हैं जो कभी नहीं मिली। वो तो सारे देश में मेजोरिटी कभी बीजेपी को नहीं मिली थी। हाँ, मोदी के नाम पर मिल गया। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कास्ट लाइन पर पोलराइज सोसाइटी है यूपी की, आपको ताज्जुब होगा, सपा बसपा की वोट मिल करके भी बीजेपी से कम है। हाँ, तो इसका जात के नाम पर वोट नहीं मिला ना मोदी को, मोदी के तो हर जात ने वोट दिया। हर जात ने वोट दिया, बिहार में भी दिया, हर धर्म में नहीं, हर धर्म में नहीं, हर जात ने वोट दिया, हर जात ने वोट दिया। तो इसलिए तो यूपी में जब आप कह रहे हैं तो मेरा और मेरी पार्टी का यह आंकलन है कि कोई भी दल अकेले भाजपा को इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं हरा सकता। समाजवादी पार्टी ने हराया ना उनको पहले, तब मोदी नहीं था, मोदी नहीं था, पर भाजपा मायावती ने भी हराया, तब मोदी नहीं था। पर यूपी में भी तो आप लोग जब इकट्ठे हुए वहां, मोदी असेंबली इलेक्शन में नहीं था, यानी कि प्रचार करने के लिए था, पर उन लोगों को मोदी के नाम से तो ना वोट मांग रहे थे, नीतीश कुमार के नाम से। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांग करके लालू जी जैसे सशक्त साथी के साथ मिलकर के और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हमने बनाया, तो हमें 3/4 सीटें वहाँ पर मिली, बीजेपी राउट ही होगी। नहीं, पर यूपी में क्या करेंगे आप, आपका मिलने का एक कॉमन ग्राउंड भी होना चाहिए ना, कॉमन ग्राउंड तो है नहीं आपका वहाँ, उनके परिवार में कॉमन ग्राउंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहाँ? नहीं, हम उनके परिवार की भी और उनके पार्टी की भी एकता चाहते हैं, और इस गठबंधन की जो धुरी है वो समाजवादी पार्टी हो सकती है। इस गठबंधन के वहाँ पर यूपी में जिनकी कॉल पर सब इकट्ठे हो सकते हैं वो मुलायम सिंह जी हो सकते हैं, और निसंदेह अखिलेश एक चेहरा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जातियों का कोएलिशन कर रहे हैं, पार्टियों का नहीं कर रहे हैं?
नहीं कांग्रेस कांग्रेस किस जाति की पार्टी है? सब जातियों की। नहीं नहीं, आप एक पार्टी की हैं, मुलायम सिंह यादव एक पार्टी के एक जात के हैं, तो आप लोग तो जातों पर जात, आपने खुद शुरू में कहा कि हम तो पिछड़े हुए लोग हैं सबसे ज्यादा। हाँ, लेकिन पिछड़ों की तादाद भी 54% है नंबर एक, नंबर दो 24% दलित हैं, नंबर तीन 20% मुस्लिम है, तो हम तो 80-85% लोगों के प्रतिनिधि हैं। आप लोगों का उद्देश्य यह है कि जातियों का गठबंधन करें, ना कि विचारधारा का। नहीं, वो उसको आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोहिया के भी दर्शन में। कांग्रेस और लोहिया में क्या कॉमन है? मैं बता रहा हूँ, अब गैर कांग्रेस वाद के दिन चले गए, लोहिया जी का सिद्धांत आपका जन्म ही गैर कांग्रेस हुआ हुआ। अब हुआ दिल्ली में किस, दिल्ली में बीजेपी से लड़ेंगे कांग्रेस से, यूपी में बीजेपी से लड़ेंगे कांग्रेस में, बिहार में बीजेपी से लड़ेंगे कांग्रेस में, हरियाणा में बीजेपी से लड़ेंगे कांग्रेस। जब कांग्रेस बची नहीं इन राज्यों में, तो लोहिया का तो ये था ना कि जब कश्मीर से कन्याकुमारी, कांग्रेस मार्जिनलाइज्ड है ना, वो तो जाति की पार्टी नहीं है किसी एक की, आप तो जातियों की पार्टी है ना। नहीं, आप पहले सवाल पाइए, अब गैर कांग्रेसवाद निरर्थक साबित हो गया। ये दिन गैर भाजपा, सोनिया और राहुल में कोई इंदिरा गांधी में फर्क नहीं आता कुछ नहीं, अब गैर भाजपावाद के दिन है, जब चूंकि अपने बलबूते पे भाजपा दो की भाजपा 282 की हो सकती है, तो कांग्रेस से लड़ने की कोई तुक नहीं। आप जो कह रहे हैं शुरू में कहा अखिलेश के नेतृत्व में आप लोग जो बाकी लोग जो उनका अलायंस करा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य यह है कि अखिलेश को चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ा जा सकता उसकी लीडरशिप में? देखिए, उनका नेता कौन होगा वो बड़ी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को तय करने का निजी तौर पर जेडीयू को आरएलडी को कोई दिक्कत नहीं है अखिलेश के नेतृत्व में काम करने। अगर अखिलेश नहीं हो किसी और चेहरा बना, शिवपाल को बना दे तो जिसको भी समाजवादी पार्टी चाहे, चूंकि बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है। और हम अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते फ्रेंडली पार्टी, तो आपकी पर्सनल चॉइस क्या होगी? जो समाजवादी पार्टी की चॉइस है बड़ी पार्टी की, देखिए गठबंधन में अब जो केंद्र के अंदर, भाई आप तो मार्जिनल पार्टी हैं, आपका आपने ठीक कहा कि आपका तो रोल कोई है नहीं, ज्यादा नहीं है। तो अपने शुरू में कहा कि अखिलेश जैसा नेता वहां पर है, जो बात कही है, आपको लगता है कि चेहरा तो उनके पास है ना एक? ऐसा है कि बीजेपी ने श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना, उन्होंने क्या टीडीपी से पूछा क्या? उन्होंने क्या शिवसेना से पूछा क्या? वो तो पहले ही अनाउंस कर दिया, पहले अनाउंस कर दिया ना, इसलिए जिसको भी सपा अनाउंस करेगी हम स्वीकार करें। तो आपका उसके अंदर क्या अलायंस जब करेंगे, आपका कोई ना वहाँ पर वोट ही ना आपके पास नेता है कोई, वहाँ पर फेस भी नहीं है आपके पास कोई वहाँ पर, तो क्या अजीत सिंह कह रहे हैं कुछ और, आप कह रहे हैं कुछ नहीं, और सब एक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमने अजीत सिंह जी सब अपने अपने सीटों के लोग कोशिश करें, हमें 50 दे दो कोई 20 दे दो, हमने अभी तो सीट शेयरिंग की बात ही नहीं आई है। तो अलायंस किस बात पे होगा अभी? अलायंस का एक ही मुद्दा कि बीजेपी को, हाँ बिल्कुल, बीजेपी हराओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश तरक्की करा, 7.5% ग्रोथ हो रहा है अभी, ये तो 8% 4% 8.4% ग्रोथ हो चुका है मनमोहन के राज में, लेकिन देश में उस समय इकोनॉमिक डिस्पेरिटी सबसे ज्यादा थी, ये कोई तर्क नहीं, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी सवाल ही, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है पिछले कुछ सालों में उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़ी इस साल में, एम्प्लॉयमेंट घटी है, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, नहीं 3 साल नहीं, इस साल की बात कर रहा हूँ, 2015-16 में एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो घटा है। इंप्लॉयमेंट क्योंकि वो तो 2014-15 में जो आपने जब बीज बोए होंगे आपके यूपीए सरकार, खैर हम तो यूपी में नहीं थे हाँ, आप नहीं थे पर उनके समर्थक तो रहे थे ना, कई चीज़ों पे आपने समर्थन किया, वो तो हम जीएसटी पर बीजेपी का भी समर्थन कर रहे हैं। तो यूपी में आपको लगता है क्या इशू क्या है इस वक्त बजाय भाजपा हटाओ बस? देखिए भाजपा तो है नहीं रूलिंग पार्टी वहाँ। देखिए ऐसा है, भाजपा एबसेंटी लैंडलॉर्ड है, एबसेंटी यूपी में एबसेंटी लैंडलॉर्ड, 73 लोकसभा की सीटें हैं, 265 प्लस सीटों पर उसकी विधानसभा में बढ़त है। नहीं बीजेपी से आपकी नफरत क्यों है? नहीं नफरत नहीं है ना, वो आप गलत शब्द इस्तेमाल करें, वो हमारे राजनीतिक विरोधी क्यों हैं आप? हाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, हम तो एनडीए में बहुत कंफर्टेबल थे, प्रभु आप तो गवाह है ना, हाँ बिल्कुल अटल जी की एनडीए की बात कर आप, डिफरेंस बता रहे हैं एनडीए, मेरा एक मोदी का एनडीए और पार्टी का, ये मानना है कि ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, जो इकरारनामा जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था, उसमें ये तीनों कंट्रावर्सियल पॉइंट अलग कर दिए गए थे गुड गवर्नेंस एजेंडे में। मोदी तो उन चीज़ों की का अल्टरनेटिव है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जिनकी बुनियाद रखी गई थी। आज कश्मीर का क्या हाल है? जब अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर गए थे उन्होंने लाल चौक पर कहा था इंसानियत कश्मीरियत के आधार पर समझौता किया जाना चाहिए कश्मीरियों के साथ, उन्होंने कहा था कि हम दुश्मन तो हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम दोस्त बदल सकते हैं। तो उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में
कश्मीरी जनता की आवाम के कॉन्फिडेंस में, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो लड़के भटक करके पाकिस्तान चले गए हैं उनको वापस बुलाने की मैं कॉल करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बहुत सारे लड़कों का पुनर्वास हुआ। आज वहाँ पर आप बंदूक की नोक पर रखना चाहते हैं? पर वहाँ कितना अटैक करे पाकिस्तान के रोज आकर के आक्रमण कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट क्यों करते हैं? आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका आर्मी जवाब देने के लिए सक्षम है क्या? क्या किसी दिन आप कश्मीर के नौजवान को एड्रेस नहीं करेंगे? क्या जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया? कितने साल से, 21 साल 33 लगभग हुए, 1991 में शुरू हुआ, 1990 में जगमोहन जब वीपी सिंह थे वहाँ पर, तब से लेकर के 16 और 26 साल के अंदर वहाँ पर नौजवानों को एड्रेस कितनी बार किया आपने? वहाँ पर पाकिस्तान से जब तक नहीं निपटोगे तब तक वहाँ का नौजवान तो बढ़ता रहेगा। तो फिर नवाज शरीफ के साथ वेज बिरयानी खाने से तो निपटने के नहीं है। आप काबुल से चलेंगे दिल्ली के लिए और रस्ते में जो है उसकी मेहमान नवाजी। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान की वजह से कश्मीर है या कश्मीर की यूथ को नहीं एड्रेस किया इसलिए प्रॉब्लम है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। पाकिस्तान से आयातित आतंकवाद है, पाकिस्तान से एडिड इकोनॉमिकली आल्सो और वैचारिक तौर पर भी आयातित लड़कों को गुमराह करने की प्रयास। जब सोर्स को आप नहीं खत्म करेंगे, लेकिन क्या अपने घर के बच्चों को दुश्मन मान सकते हैं? आप 20,000 करोड़ रुपए से कश्मीर को हर साल आपने फिजो से क्यों पैक्ट किया? फिजो से किया, उसके पास सवाल हो गए ना, क्यों किया? क्योंकि आज भी है वहां पर नागा इंसर्जेंसीज देर। आपने लोंगोवाल से किया कि नहीं किया? तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने लोग देश के थे, तो ये विदेशी। मैं जो बात कर रहा हूँ इनके साथ, 1947 के बाद जो पीढ़ी हिंदुस्तान में रही, कश्मीर में रही, उसे विदेशी मानते हैं? 20,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है वहां पर विकास के लिए, तब भी वहां का यूथ अगर वहां पाकिस्तान के नारे लगाता है उसको तो आप कंडेम करते नहीं? नहीं, कंडेम करते, ये गलत कह रहे हैं आप। देखिए, सुनिए, कृत्रिम राष्ट्रवाद मत फैलाइए, ये देश के लिए खतरनाक है कि जो आपसे सहमत नहीं रखता वो देशद्रोही है। आप कौन होते हैं पूरे देश में सर्टिफिकेट बांटने वाले? नहीं, जो बीजेपी का कहना है कि बाकी जितनी पार्टियां हैं पाकिस्तान के समय उनकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी समर्थक पार्टी पीडीपी है, जिसका मेरे पास घोषणा पत्र रखा हुआ है। वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, उनका कहना है हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक एजेंसी होनी चाहिए। उसके साथ किसका लाइन से? उनके साथ कांग्रेस के बिना तब भी आप, तब क्या था, तब आप जब बैठे थे? वो तो अवसरवादी पार्टी है। नहीं, अवसरवादी नहीं है, ना सुनो, पार्टी है बीजेपी। अफजल गुरु के जो अवशेष हैं वो कश्मीर लाने जाने चाहिए थे, वो देशभक्त है, ये किसने कहा था? बीजेपी कांग्रेस दोनों ने समझौता किया उस पार्टी के साथ। आप कहिए दोनों बराबर गुनहगार है, तब मैं आपकी बात मानूं। दोनों को गुनहगार है, दोनों अवसरवादी है। फिर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनका अलायंस है तब ठीक है, कांग्रेस की वजह से ही ये हालात आज हुए। शेख अब्दुल्ला को इन्होंने जेल में डाला, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को मेजोरिटी से माइनॉरिटी में ये लेकर के आए, ये कुछ ने कहा कांग्रेस की? किसी में आप एक ब्रेक लेने जा रहा, पर उससे पूछूं, उसके बाद मैं सवाल जो पूछने वाला हूं कि आप बीजेपी के साथ जो राजनीतिक विरोध है वो आपका है सिर्फ सांप्रदायिकतावाद, कि वो सांप्रदायिकतावाद और जो आपने कहा कृत्रिम नेशनलिज्म, आर्टिफिशियल नेशनलिज्म की बात आपने की है, उसकी वजह से आप विरोध करते हैं। क्या आप सब पार्टियाँ मिलकर के दूसरे किस्म के सांप्रदायिक को सपोर्ट नहीं करते? हम आज बातचीत कर रहे हैं प्रधान मुख्य सचिव और प्रधान महासचिव प्रधानमंत्री ने केसी त्यागी से, आप बार बार बीजेपी पे आक्रमण कर रहे हैं कि बीजेपी 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 बीजेपी, और आप लोग भी तो एक सांप्रदायिक मुस्लिम अपीजमेंट जो आपके ऊपर चार्ज बीजेपी वाले लगाते हैं। एक बताइए आप जब भी कोई आता है ऐसा ट्रिपल तलाक, उसको आप एक बहाना देते हैं कि ये सिविल कोड है, जब पाकिस्तानी आता है तब थोड़ा कहते हैं दोनों में बातचीत, आप बराबर कर देते हैं। प्रभु जी, आप विद्वान आदमी हैं, आपने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा है, देखा है, वो कंधे पर उठा के चलाऊं मैं, वो ट्रिपल तलाक के पक्षधर हैं जिसके हम अनुयायी हैं, ये आपकी जानकारी में है कि नहीं? डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मैं चुनाव हारना मंजूर करूंगा, हैं, लेकिन मैं महिलाओं के बराबरी की लड़ाई लड़ता रहूंगा, हम उस नेता के शिष्य हैं आइडियोलॉजिकली, नंबर एक। नंबर दो, लेकिन ये इश्यूज आप मुस्लिम्स के लिए छोड़ दीजिए। क्यों भाई, वो तय करें उनकी सोसाइटी। अगर कोई मुस्लिम महिला गई है ट्रिपल तलाक के खिलाफ कोर्ट के अंदर, एक से नहीं मैं मानता हूँ, मेजोरिटी जा रही है, हर एक आदमी का राइट है, मेजोरिटी जा रही, ठीक है, नहीं अगर लेकिन आप कोर्ट का फैसला मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोर्ट का फैसला पहले माना, उसको भी राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया था, हम उसके साथ नहीं थे। हाँ नहीं थे उस समय, भाजपा के साथ। ये भाजपा तो कोर्ट में लेके नहीं गई, नहीं गई, फिर आप उसको ट्रिपल तलाक को पॉलिटिकल इश्यू क्यों बनाते हैं? लेट इट बी जुडिशियल। ये भी मोदी जी क्लियर करें कि ट्रिपल तलाक अलग है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग है, होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दिया कि राजनाथ जी का स्टेटमेंट,
कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लॉ कमीशन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के का जो विरोध करने वाले हैं वो वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम अपीजमेंट का आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन जब हुई थी तब आपने कोई स्टेटमेंट नहीं ली थी? हम तो जो दलित मुस्लिम हैं, जो दलित ईसाई हैं, उनके भी आरक्षण के पक्षधर छिपाने नहीं चाहते। वी आर ए प्रो रिजर्वेशनिस्ट पार्टी। हाँ, नहीं तो शुरू से हैं आप, हाँ। आप महिलाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, बाकियों के रिजर्वेशन महिलाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दरिद्र महिलाएं हैं जो 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 कम नहाती हैं, कम अच्छे कपड़े पहनती हैं, समझे नहीं, कम पढ़ी लिखी हैं, उन महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके भी पक्षधर। नहीं, वो तो आप कर सकते हैं, पर अपनी पार्टियों में पद मिलना आपकी कोई महिला इंपॉर्टेंट दिखाई देती नहीं ना, कभी पहले थी ना। हमारी तो पार्टी की रह चुकी है, उनको निकाल दिया आपने, उनका अब कहाँ किसी को पता ही नहीं, उसके पता भी नहीं कहाँ है वो बेचारी। नहीं, वो तो राजनीति में सब होता रहता है, वो तो अडवाणी जी का भी पता नहीं है कहाँ है जिन्होंने पार्टी बनाई। नहीं, वो तो उम्र के हिसाब से 89 हो गए उम्र, बाकी आपकी पार्टी में जो है। मैं जो आ रहा हूँ बात करने की, सांप्रदायिकता की बात जब आती है कि इस तरह का आरोप आपके ऊपर पोलराइजेशन का नाम जो लेते हैं, हमने नहीं किया पोलराइजेशन। आप जो चार्ज बीजेपी लगाते हैं वो उनका तो डिक्लेयर्ड आरएसएस की बैकग्राउंड है, उसे कह सकते हैं कि मुस्लिम वो हिंदू अपीजमेंट की बात करते हैं, पर आप हमेशा स्टैंड ऐसी क्यों लेते हैं कि अगर बीजेपी ने कहा कि सफ़ेद है तो हम कहेंगे नहीं काला है? हाँ बिल्कुल, हम ये मानते हैं बीजेपी को अच्छी बात कही नहीं सकती है। आपको ये उनका अच्छा काम कोई है नहीं, विश्वास अडवाणी जी के ज़माने में था बस, अटल जी के टाइम, अटल जी के टाइम पे था। अटल जी सबसे सलाह मशवरा करके कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे, समझे नहीं। उन्होंने कंदमाल जब हुआ था जिसमें ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी की डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, उन्होंने कहा मेरा सर शर्म झुक रहा है, हम पूरी मानवता की चिंता करने वाले लोग हैं और ये जो कंदमाल की घटना है इससे मेरा सर झुक गया, अब तो रोज कंदमाल हो रहे हैं। यूपी में जो इशू बने हैं, घर वापसी की बात कर रहे हैं आपने, अखलाक की बात कर ली है, किसी एमपी ने कहा कि अगर वहाँ पर लोगों को जाना पड़ा मजबूर होकर के, आपके उसके सपोर्ट में लोगों को मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खाना है, आप कौन होते हैं तय करने वाले, संविधान ने मुझे पर लोगों को घरों से निकाल दो क्योंकि आप हिंदू हैं, निकल जाइए मुस्लिम इलाके से। किसने कहा? मैं कह रहा ना एमपी, आप भी गए पर उनके पास गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आई है। मैं कह रहा ना का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके गया, वहाँ पे ना कोई उद्योग है, अभी आप कहेंगे ये किसने किया, ये बाद में बहस करेंगे, ना उद्योग है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना स्कूल हैं, वहाँ पलायन हिंदू दोनों मुसलमान दोनों ने किया, नंबर एक वहाँ का पलायन कुछ नहीं है। बुंदेलखंड से 25 लाख लोगों ने पलायन किया, 3 साल से बारिश नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो भी क्या मुसलमानों ने भगा दिया वहाँ से? नहीं, मुसलमान तो आम बुंदेलखंड के, देखिए बीजेपी जो है प्रभु हर वो सवाल पकड़ती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो। अब जो है 14 कोसी वो करने वाले हैं, वो पदयात्रा पिछले साल क्यों नहीं की, उससे पिछले साल क्यों नहीं की, अब कह रहे हैं राम का मंदिर बनाओ, आपके हमारे मित्र हैं, वो तो पहले से कह रहे हैं, नई बात सुने नहीं, नहीं नहीं नई बात सुने कर सुब्रमण्य साथ में ये भी कहते हैं कोर्ट जो फैसला करेगा, मैंने इंटू किया बीजेपी नेताओं का, राजनाथ जी का किया, जो होम मिनिस्टर देश के, उन्हें साफ कहा जो कोर्ट करेगा, साक्षी महाराज को बीजेपी माने, हम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी माने, प्राइम मिनिस्टर को माने या अमित शाह को माने, आपकी तरफ से जो आप कहेंगे महामंत्री उसको माने या शरद यादव प्रवीण तोगड़िया शाहबुद्दीन को सपोर्ट करेगा बिहार में उसको माने? नहीं, शाहबुद्दीन जेल में है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार की वजह से शाहबुद्दीन जेल। नहीं, मैं उसके ऊपर आधार पर शाहबुद्दीन, आप किसी हिंदू गुंडे का भी नाम लीजिए, मैं लेता हूँ। आप खाली देखिए, अमित शाह ने शुरू किया वहां से सहारनपुर से यात्रा, 3 गुंडे हैं देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खां, जिसपे कोई गुंडागर्दी का केस नहीं है। आप आजम खान से डिस एग्री कर सकते हो उसके व्यूज को लेकर के, नसीम आप एग्री करते हैं कि नहीं आजम खान के व्यूज से? आजम खान के कुछ व्यूज से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से डिस एग्री करता हूँ, जहाँ समाज में तफरकेबाजी फैलती है मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन मुस्लिम्स की भी अपनी तकलीफें हैं जो एक रिपब्लिक के होने के नाते हमको एड्रेस करना चाहिए, वहाँ मैं आजम खान से एग्री करता हूँ। नहीं, वो तो 60 साल बीजेपी तभी अभी 2.5 साल पहले किया, फिर 6 साल आपके साथ मल करके किया, उससे पहले तो कांग्रेस ने किया, सेक्युलर पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही गुनहगार है, उतनी मतलब 60 साल के लिए उतनी माने 5 साल के लिए तो उतनी है ना। मैं तो और आरोप लगा रहा हूँ, आप पोस्ट गोधरा वायलेंस में 1200 लोग मरे हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भगवत आजाद के नेतृत्व में भागलपुर में 1800 मुस्लिम मरे हैं, तो मैं कैसे कह दूं? दोनों बराबर गुनहगार। और अगर आप भागलपुर याद नहीं रहता लोगों को, गोधरा याद रहता है?
नहीं, मुझे भागलपुर भी याद, मुझे मेरठ भी याद है, मुझे मेरठ भी याद है। आपको हमेशा जो जितनी सेक्युलर पार्टी, मैं उसी के बदवारा आ रहा हूँ, क्योंकि सेक्युलर पार्टी जो आपने मेरे को एक लीड दे दी कि आपने याद करा दिया कि जितने कांग्रेस सरकार में दंगे हुए उतने बीजेपी में नहीं, उतने नहीं हुए बीजेपी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कम्युनल पार्टी नहीं है। उसने मुस्लिम के इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया, जो माइनॉरिटी के सवाल थे, जो 1/5 आबादी है हिंदुस्तान की, और बीजेपी ने इश्यू को एड्रेस किया, पर ज्यादा मुसलमान मरवा दिया बीजेपी ने सांप्रदायिकता का बारूद बिछाया, तिल्ली दिखाओ और सांप्रदायिकता की आग में झुलसो और वोट प्राप्त करो। मतलब भागलपुर और गोधरा, आपको भागलपुर भूल जाते हैं, आप दिल्ली भूल जाते हैं, आप सिखों के साथ जो हुआ आपको एक सिर्फ गोधरा याद रहता है, क्योंकि आपको इशू नहीं है। आपकी जानकारी के लिए प्रभु, 1984 में चरण सिंह के लोकदल के नेतृत्व में थे शरद यादव, रामविलास पासवान, हम सब साथ थे, और हमारी गवाही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सिखों के खिलाफ में तो बहुत कुछ आप कहते हो, तो उस वक्त चरण सिंह की पार्टी कहाँ है अब? नहीं, हम उसके अनुयायी हैं, कह रहा हूं अनुयायी हैं। आप कुछ जो सिखों की सुनो, सिखों का जो कत्लेआम हुआ था, दैट वाज नॉट ए कम्युनल राइट, एक तरफा सिखों का कत्लेआम हुआ, हमने उसका विरोध किया। नहीं, मैं आ रहा हूँ, जब आप इतनी सारी विचारधारा है, आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? एक समाज पांच, ये हमें अभिशाप है, ये अभिशाप है, अभिशाप डीएनए में आपके खून, हमारे डीएनए में कुछ तोड़फोड़ है, तोड़फोड़ है, इसलिए कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव काम आप कहते हैं, नहीं कंस्ट्रक्टिव काम, बिहार का मुख्यमंत्री देश का सबसे काबिल मुख्यमंत्री माना जा रहा है, ऐसे क्यों आप किसी से कम क्यों आए फिर? अगर काबिल था तो लालू से कम नहीं, बहुमत आया कि नहीं आया? नहीं, आपने नहीं, वो पॉइंट नहीं किसका कम ज्यादा आया, लेकिन नीतीश कुमार पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मैं इशू की बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार इशू, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का इशू नहीं है, वही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जिसके ऊपर आपकी जानकारी के लिए आज 20 आपसे याद आएंगे, आ सकती है। सुनो, स्ट्राइक रेट कांग्रेस का और भी ज्यादा हुआ, कांग्रेस पार्टी तो बड़ी पार्टी नहीं है वहाँ पर, तो क्लीन फेस से भरनी पड़ता, एक्सेप्टेबल नहीं, नहीं उसी के फेस को दिखा करके गठबंधन बना करके हमने 3/4 का बहुमत लिया, और जिस बीजेपी को वहाँ 40 में से 33 मिली, वो जो है अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी वहाँ पर नहीं बची। अब से 20 पहले बीजेपी जहाँ थी, हमने उसको उसके औकात फैला दिया। अपोजिशन वालों की प्रॉब्लम ये है कि वो बीजेपी पे आक्रमण ज़्यादा करते हैं, अपनी बातें कम करते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप इकट्ठे क्यों नहीं होते, आपका जवाब नहीं है उसका। आप यूपी में नेता आपका कौन होगा, आप उसके ऊपर पार्टी डिसाइड करेगी। आप सारे के सारे एंटी बीजेपी फोर्सेज और एंटी कांग्रेस फोर्सेज इकट्ठे होकर के दोबारा से एक ऑल्टरनेटिव क्यों बनाते? नीतीश कुमार ने आपने एक फैला दिया प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनको भी लगाया प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमारे मोदी के खिलाफ खड़ा कर। हमारी पार्टी ने प्रभु कभी ये प्रस्ताव नहीं किया, ना बयान दिया, सुन लीजिए, कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सारी नीतीश कुमार में, मुलायम में नहीं है, मुलायम में भी है, ममता में भी है, ममता में भी है, उसके बाद नवीन पटनायक में भी है, नवीन पटनायक में भी है। तो आप सब इकट्ठे क्यों नहीं होते? अब हमने तो प्रयास किया था, आप तो गवाह हैं, उन दिनों आपसे रोज मुलाकात होती थी। हम तो मुलायम सिंह जी, वो पार्टी का अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन, उनका झंडा, उनका चुनाव चिन्ह, उनके पार्टी का नाम, सारी चीज़ों के लिए तैयार हो गए थे। वो भी जो ड्रॉबैक हुआ है, सेटबैक हुआ है, वो भी विद इन सपा हुआ है, हम तो गुनहगार नहीं उसके। तो आप मर्चर करने के लिए तैयार थे ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है आपकी? वही है ना कि आपके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, डीएनए में तोड़फोड़ है, लेकिन ईमानदारी भी है, कमिटमेंट भी है, ऐसा नहीं है। जितने लोग हमारे जेलों में तकलीफ उठाए हैं इस विचार के लिए, जितने लोगों ने कुर्बानी दी है, अभी तक आप भी सफर किए, बाकी लोग भी सफर किए, हम बीजेपी वालों से ज्यादा जेल में गए। 19 महीने वो भी काफी लोग, उनके माफीनामे भी, हमारा एक नेता का माफीनामा नहीं है, माफ करना, अगर बात खुलेगी तो फिर दूर तक चली जाए। नहीं, दूर तक चलिएगा, ठीक है, माफीनामा होंगे आपके पास। सवाल ये होता है कि जब आप इकट्ठे नहीं हो सकते तो बीजेपी को हरा नहीं सकते। हाँ ठीक बात, आइए कर लीजिए, आपके और कोई नेता नहीं है? नहीं, नेता हमारे राहुल गांधी आप कांग्रेस के नेता हैं। देखिए ऐसा है, ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी बनाएंगे फिर दोबारा, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन गैर बीजेपी कम्युनिकेशन में वो भी होंगे। नहीं, गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी, जो आपने पॉलिटिक्स की बात की, श्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनकी टक्कर के नीतीश कुमार थे, नवीन पटनायक थे, मायावती थी, मुलायम सिंह यादव थे, शरद पवार जी थे। ऐसा नहीं है कि किसी में को प्रकाश सिंह बादल जी थे, ऐसा नहीं है। पर ये तो इधर ही रहेगा ना। अब वो तो देखिए पॉलिटिक्स, उसकी विचारों की परवान चढ़ी नहीं चढ़ गई, इसलिए आपके पास जब से कांग्रेस के साथ, आप हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, जब भी बीजेपी खिलाफ हुए हैं, तब जब गठबंधन बनेगा यूपी के अंदर भी, बिहार के अंदर, कांग्रेस की आपकी वजह से कांग्रेस को 29 मिल गई, नहीं तो कहाँ मिलती वहाँ? तो कांग्रेस को भी तो आप रिवाइव कर रहे हैं ना एक तरीके से। हम कांग्रेस की बढ़त चाहते हैं बीजेपी को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए।
हराने के लिए। राहुल को बढ़ावा देंगे, राहुल को एक्सेप्ट करेंगे ना? नहीं, राहुल कोई अराष्ट्रीय थोड़ी है। राहुल इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, जिसके दादा ने नाना ने 15-15 साल जेल में गुजारी हैं, जो भाजपा के किसी नेता ने नहीं गुजारी, जो संघ के किसी नेता ने नहीं गुजारी। इंदिरा जी और राजीव जी की असैसिनेशन हुआ, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। पर सवाल है कि वो आपके नॉन सेकुलर नहीं, क्यों जो संघ के जो अनुसांगिक संगठन है उनका एकमात्र निशाना राहुल पे ही क्यों है? वो किसी कांग्रेस के नीतीश पे भी है, नीतीश पे भी, चूंकि इनमें पोटेंशियलिटी दिखाई देती है उनको। तो आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल मानते हैं? ऑफ कोर्स ही इज प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। नीतीश कुमार इज प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। मैं नहीं मानता, अगर वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो आप अगर आप चुनाव बीजेपी का जैसे कर रहे हैं, यूपी अगर जीत गई तो मोदी के नाम पर जीतेगी? वहाँ नेता तो है नहीं इनके पास। नहीं, ऐसा दिन नहीं आएगा जब यूपी में बीजेपी जीतेगी। और यूपी में अगर बीजेपी जीतेगी तो 2019 में भी बीजेपी को हराने के लिए ना को चली चबाने पड़ेंगे हम लोग। तो आप तो कहते हैं 260 का उनका टारगेट है, 200 आ ही जाएंगे? नहीं, ये यूपी की जमीन अलग है, वो 45 पे हैं आज। नहीं, आपको और यहीं पर रखेंगे उनको। नहीं, 45 पे तो आप कह रहे हैं ना, वो तो 260 मान के चल रहे हैं ना। सवाल है कि आपका अपना सर्वे या दूसरा? वो तो 52 से इन पोल आप देखेंगे उनको नंबर वन पर पार्टी सब डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा है। जितनी बार भी आप बीजेपी को नंबर वन दिखाओगे उतनी ही ज़्यादा संभावना बीजेपी के चुनाव हारने की बढ़ेंगी। आपने ये प्रयोग बिहार में किया, शुरू में अगर आप बीजेपी को हारा हुआ दिखा देते तो बीजेपी बढ़ती, बीजेपी को देख के लोग बिदकते भी नहीं। तो आप ये जो चार्ज लगाते रहते भाई, जेठा भाई। सवाल ये है कि मोदी की जब बात आती है तो लोगों के मोदी के मुकाबले, मैंने आपसे पूछा ना 2019 में या यूपी के अंदर मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, आपके पास जवाब क्या है? हमारे पे विचार होगा अगर इसी के हाथ है नहीं किसी का, अगर इसी के हाथ में दोबारा सरकार बनी तो देश तबाह हो जाएगा। हमारे पास विचार है। यूपी में अगर बीजेपी हार गई, आपको लगता है जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं कि नहीं है? ना, नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं मानता? अगर मेरा एक इफ है, मुलायम सिंह जी समान विचारधारे वाले दलों को अगर इकट्ठा किए 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बने। महागठबंधन नहीं बना? नहीं बना तो बर्बादी, तो कुछ भी हो सकता है, बर्बादी। और अगर यूपी हारते हैं हम लोग तो दिल्ली की राह हमारे लिए मुश्किल हो। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।